आज की क्लास में हम बात करते हैं कुछ सर्किट्स के बारे में। पहले तो सर्किट से पहले मुझे ये बात जाननी जरूरी है, वो कौन से वेसल्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में हिस्सा लेते हैं। वेसल्स दैट पार्टिसिपेट इन ब्लड सर्कुलेशन। मेरे पास पहले तो मैं सर, ये चैप्टर कौन सा है? बेटा वही सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है क्लास में, हार्ट की तुमने याद है खजर? जी जी सर, याद है याद है। आर्टरीज और वेन, ये मेजर वेसल्स है, राइट? आर्टरीज क्या है? दोज वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वो वेसल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाते हैं, आमतौर पे कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलाइकल artery that carries deoxygenated blood away from heart। सिर्फ ये दो आर्टरीज हैं। अच्छा, अम्बिलाइकल आर्टरी के बारे में भी ये याद रखो कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी में फॉर्म होती है और आफ्टर प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, यानी ये फीटल स्टेज के अंदर, कौन सी स्टेज में? फीटल स्टेज के अंदर मौजूद होती है। अब इसी तरह वेन की डेफिनेशन में बात करूँ, दोज वेसल्स that usually carry deoxygenated blood from body towards heart। बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आते हैं कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह एक्सेम पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलाइकल वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। अच्छा, अम्बिलाइकल वेन भी फीटल स्टेज की है। अच्छा, अम्बिलाइकल वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेती, पल्मोनरी लंग से लेती है, अम्बिलाइकल लेती है प्लेसेंटा से ऑक्सीजन को, और पल्मोनरी लेती है लंग से और फिर लाती है हार्ट तक।
इन दो चीजों को बहुत क्लियरली अपने पास रखना कि दीज टू काम इनका भी यही है, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। और दूसरी वेन्स का भी यही है, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, लेकिन दूसरी वेन्स DOB लेके आती है, डिऑक्सिन ब्लड, और ये क्या लेके आती है, OB लेके आती है। तो फर्क रखना दोनों बातों के, राइट। नाउ हम सर कॉपी कर रहा था मैं। अच्छा चलो कर लो बेटा, तो जल्दी से फिजिकल क्लासेस शुरू हो यार। हाँ सर वो मंडे से तो खुल रहे हैं ना। अभी तक तो यही खबर है कि चलिए आगे चलें। जी सर, जी, अच्छा ये तो पहले जो डिफरेंसेस हो गए आर्टरी में, अब बाकी डिफरेंसेस में आर्टरीज आर प्रेजेंट डीपली इन मसल्स, ये सरफेस पे नहीं है। क्यों नहीं होती? कि इंजरी हम हमें आमतौर पे चोटें जो लगती हैं वो सरफेस पे लगती है, और अगर सरफेस पे चोट लगने से कोई आर्टरी डैमेज हो गई तो ब्लड का बहुत लॉस हो सकता है, तो इसलिए नेचर ने इसे डीपली मसल्स के अंदर रखा ताकि वो सेफ रहे। क्योंकि वेन्स आर प्रेजेंट on the surface of skin, ये skin की surface के ऊपर होती, इनके डैमेज हो जाने से ये रिपेयर भी जल्दी हो सकती है, और इनमें ब्लड का प्रेशर भी कम होता है और ब्लड के लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा अगर आर्टरी को तुम देखो, आर्टरी हैव थिक मसल्स प्रेजेंट दैट आर नैरोइंग द पाथ, ये मसल्स। अब अगर मैं क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिखाऊं तो सिर्फ इतना सा पार्ट है, बाकी ये सब क्या है, मसल्स है। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्मॉलर ल्यूमिन, उनके पास स्मॉलर ल्यूमिन, जबकि वेन्स हैव थिन मस्क्यूलर लेयर प्रेजेंट। इसका क्रॉस सेक्शन तुम्हें कैसा नजर आएगा? मसल्स ल्यूमिन, मसल्स ल्यूमिन, तो
इनका ल्यूमेन, लार्ज ल्यूमेन। अच्छा आर्टरीज में कोलाजिन फाइबर भी होता है, विच कीप्स द वेन, ओ सॉरी आर्टरी स्टिफर, ताकि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से दब ना जाए। दे ऑल्सो हैव कोलाजिन फाइबर बट लेस इन क्वांटिटी। अच्छा यहाँ थिक मसल डेपोजिशन की एक और वजह भी है, और कोलेजन फाइबर की। सो मैं नेक्स्ट पेज नोट करूंगा। थिक मसल्स आर प्रेजेंट ड्यू टू कोलेजन आर्टरीज हैव टू टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर। थिन मसल्स आर प्रेजेंट एज वेन्स हैव टू फेस और ऑब्जर्व लो प्रेशर। नो सेमी ल्यूनर वेल्स आर सिर्फ दो आर्टरीज होते हैं एक्सेप्ट एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। सेमी लूनर वेल्स आर प्रेजेंट इन ईच वेन, सॉरी कोई एक्सेप्ट नहीं। चलिए अब आर्टरी से वेन तक का कनेक्शन किस तरह से होता है। ये आर्टरी डिवाइड हो गई किसमें, आर्ट्रियोल्स में, और हर आर्ट्रियोल स्प्लिट हो रहा है
यहाँ से आर्टरी आ रही है, ये आर्टरियोल है, ये कैपिलरी बेड है, ये वेन्यूल है और ये वेन है। अब जरा देखो ब्लड की फ्लो कैसे होता है। आर्टरी से ब्लड आया, डिवाइड हुआ आर्ट्रियोल में और फिर डिवाइड हुआ थाउजेंड्स ऑफ कैपिलरी, हमने तो तीन ही ड्रॉ किए, और यहां से ये ब्लड वेन्यूल तक पहुंचेगा, वेन तक आए, राइट। ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आया यहां पर तक पहुंचा डी ऑक्सीजनेटेड, अब हुआ क्या इस पूरे बेड के दरमियान? जैसे ही आर्टरी डिवाइड होके आर्टरी आर्टरी से कोई ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होती, वेन्यू आर्टरियोल से कोई ऑक्सीजन डिलीवर नहीं होती, ऑक्सीजन की डिलीवरी कौन कर सकता है? कैपिलरी। ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि ये ओटू जा रहा है, बल्कि ग्लूकोज और अदर मिनरल्स भी इसी बेड में से सीप आउट करते हैं। यहां लिख लेता हूं, कैपिलरी बेड हेल्प इन इजी डिफ्यूजन ऑफ मटीरियल दैट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये दोनों मेजर पर। नाउ एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट बेटा जरा कॉल आएगी।
ओके बच्चों, ओके अब ये देखना है कि कैपिलरी क्या है। पहले कैपिलरी के फीचर्स देखते हैं। कैपिलरी थिनेस्ट वेसल है, राइट। अब अगर मैं कैपिलरी तो बताऊं, अगर ये कैपिलरी को इतना ब्रॉड करके बताऊं, तो कैपिलरी की जो ये विड्थ है ना, ये कितनी होती है कि सिर्फ एक आरबीसी एक वक्त में इसमें से ट्रेवल कर सके, ठीक है। चाहे वो इस हालत में जाए, चाहे वो इस हालत में जाए, राइट। अच्छा, द वॉल ऑफ कैपिलरी इज जस्ट वन सेल थिक। मैं यहां लिख लेता हूं, ल्यूमेन ऑफ कैपिलरी विल बी वन सेल, वन आरबीसी कैपेसिटी, वन आरबीसी लेंथ विड्थ, यूं कर लेते हैं। और इसकी वॉल भी, वॉल ऑफ कैपिलरी इज ऑल्सो सिंगल सेल थिक फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल। अब देखो, यहां एक बात ध्यान में रखना कि इसमें से सिर्फ डब्ल्यू बी सी पास कर सकता है, बिकॉज इट कैन ऑल्टर इट्स शेप। और डब्ल्यू बी सी में से भी कौन सा? फैगोसाइट्स। आसानी इसमें से पास कर सकते हैं। नो आरबीसी कैन मूव अक्रॉस द वॉल ऑफ कैपिलरी। नो आरबीसी कैन मूव अक्रॉस द वॉल ऑफ कैपिलरी न्यूक्लियस बना दूं, ताकि इसकी स्क्रीन शॉट भी तुम ले लेना, ताकि तुम अंदाजा हो जाए। नाउ capillary can act like a sieve. इसमें से प्लाज्मा बाहर जा सकता है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो सकती है, एंड प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज वॉटर कंटेन्ड विद डिफरेंट मटीरियल्स। जब वो बाहर जा रहा है तब उसे प्लाज्मा कहते हैं, और जब वो अंदर आ रहा है तो उसे टिश्यू फ्लूइड कह सकते हैं। सर ये आपने क्या लिखा है, कैपिलरी कैन एक्ट लाइक अ असीव, एक छलनी की तरह से। सर सही आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
कह रहा हूँ छलनी की तरह से, आई अच्छा तो स्पेलिंग क्या सर की ऐसी? वी ई। अच्छा सीव, सही सही सही। ओके जी, तो जो बाहर निकला वो है प्लाज्मा, जो वापस आया वो है टिश्यू फ्लूइड, जो बाहर गया उसमें ग्लूकोस था, जो अंदर आया उसमें है यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एंड वेस्ट सॉल्ट। चलो दूसरे पेज पे बनाते हैं। यहाँ एक चीज बड़ी टेक्निकल है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हें अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखनी होगी। ये है वॉल ऑफ कैपिलरी। खजर, यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? जी सर, और यूशे, तुमको भी बेटा? जी सर, अब क्लियर हो रही हैं चीजें, बिल्कुल याद करने के काबिल हैं। जी ओके, ग्लूकोज गया बाहर, ऑक्सीजन तो यहाँ से भी जा सकती है, ऑक्सीजन को किसी परफोरेशन की किनारे की जरूरत नहीं है कि सेल जहाँ एंड हो रहा है वहां से निकलेगा। नाउ O2, ये सब बाहर आ गया। क्या क्या? ग्लूकोज, मिनरल्स, ऑक्सीजन। जो अंदर आ रहा है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कोई मसल, फर्ज करो यहाँ के टिश्यूज बनाएंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मिला देते हैं? वाटर में। तो ये बन जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एंड एच प्लस। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की फॉर्म में ये वापस आता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में वापस आ रही है? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। जा किस फॉर्म में रही थी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में जा रही थी, राइट, और डिफ्यूज हो रही थी। और ये एच प्लस आयन भी इस तक पहुंच रहे हैं। इन एच प्लस आयन का ताल्लुक बोहर शिफ्ट से है, लेकिन बोहर शिफ्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? अच्छा तो जी, दोबारा समझा दें ये डायग्राम। अच्छा। यहाँ देखो, कोई भी मसल्स, किसी भी मसल्स, किसी भी किस्म के मसल्स ने अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हर हर टिश्यू में प्रोड्यूस होगी, तो हमारे हर टिश्यू को फूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है
वो डिसॉल्व कर दी जाती है किसके अंदर, ब्लड वाटर के अंदर, और जैसे ही डिसॉल्व होती है तो ये क्या बनाती तो एक्चुअली कार्बोनिक एसिड है, लेकिन कार्बोनिक एसिड क्या है, एच प्लस आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन टिश्यू फ्लूइड के रास्ते या टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व होकर कैपिलरी तक पहुंचता है, ठीक है, और यहां से ये कहाँ पहुंचता है, दैट्स हाउ। अच्छा होता क्या, अब एक चीज तुम्हें और बता दूं यहाँ पे इसी डायग्राम, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्ट्रियोल में आता है, ये तकरीबन 90% ऑफ प्लाज्मा लूज कर देता है इन टिश्यूज के अंदर, यानी ब्लड यहाँ पे थिक हो चुका होता है, ब्लड कैसा हो गया, थिक हो गया, और अब ब्लड का मूव करना मुश्किल हो रहा है, तो कैपिलरी बेड वापस 20% ऑफ टिश्यू फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ब्लड अभी भी थिक है। तो सर ये अगर यहां चला गया तो क्या थिक ब्लड पहुंचेगा हार्ट तक? हाँ पहुंच भी सकता है, तो फिर क्या किया जाए? यहाँ एक और सिस्टम होता है जो कैपिलरीज के पैरेलल चल रहा है, एक मिनट को मैं उसको दूसरे कलर से बनाऊंगा, पिंक से बनाऊं, ब्राउन, ये देखो, जो कैपिलरी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसे कौन एब्जॉर्ब करता है? लिम्फैटिक वेसल्स। ये कैपिलरी जैसे दूसरे ब्लड वेसल्स हैं जिनका काम डोनेटेड प्लाज्मा को वापस कैपिलरी तक पहुंचाना, ताकि ब्लड की फॉर रिकॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड को रिकम्पोज कर सके, दोबारा से उसे वही डाइल्यूशन मिल सके, क्योंकि अगर सारा प्लाज्मा इसी तरह लूज हो जाएगा तो एक वक्त आएगा कि ब्लड इतना थिक हो जाएगा कि वेसल में मूव ही नहीं कर सकता। तो कैपिलरी 20% टिश्यू फ्लूइड को तो एक्सेप्ट कर लेती है, बाकी लिम्फेटिक वेसल एब्जॉर्ब करके इन कैपिलरीज को देता है ताकि ब्लड की रिकॉम्पोजिशन की जा सके। इज दैट मेकिंग सेंस? ठीक यस सर, यस सर, है, तो लिम्फेटिक वेसल्स और दोज वेसल्स दैट आर टू कलेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह टू कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड एंड रिकम्पोज तो यहां पर आज का हमारा लेक्चर क्लोजर पे पहुंचता है। आई होप तुम्हें आर्टरीज और वेन्स के तमाम सिस्टम समझ में आ गए होंगे। आज चैप्टर को रीड कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ईसीजी को स्टडी करेंगे और वेन्स में अब यहाँ से आगे का जो सिस्टम होगा उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू शे विल सी यू आफ्टर 10 मिनट्स इन केम क्लास। अदाफ़ ओके सर, खुदा हाफ़िज़।